Students, I am Vijit Gaur and I am welcoming you all in the music class of Modern Education School. अभी तक हमने स्वर की बात करी, सारेगामा वादा निसा की बात की, हमने अलंकार की बात करी, अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ होता है। आज हम स्वर के प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। स्वर के प्रकार मीन्स स्वर कितने टाइप के होते हैं, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला शुद्ध स्वर, दूसरा कोमल स्वर और तीसरा तीव्र स्वर। अब हम ये देखते हैं कि शुद्ध स्वर, कॉमन स्वर और तीव्र स्वर क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे सात स्वर होते हैं, सारे गम और अध नी सा नी रिपीट होता है, इसलिए ग्लास हो जाता है। सा से नी तक सात स्वर होते हैं, ठीक है। तो इन सातों स्वर को हम रखते हैं शुद्ध स्वर के रूप में, मतलब ये शुद्ध स्वर है जो कि सा से लेकर नी तक है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कोमल स्वर। कोमल स्वर क्या होते हैं हम बात करते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं रे, ग, ध और नी, ये चार स्वर कोमल स्वर की कैटेगरी में आते हैं। अब आप कहेंगे कि स्वर सात होते हैं, कोमल स्वर ये है तो वही स्वर, लेकिन ये क्यों अलग है। तो जैसा कि हम आपको बताते हैं, यहाँ पे आपको कीबोर्ड दिखता है। अगर सिर्फ सात स्वर होते तो इसमें तो आपको ज्यादा कीज दिखाई देगी। इन कीज में हम सिर्फ सात स्वर को प्ले कैसे कर सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए हमको ये सीखना जरूरी है कि टोटल शुद्ध कोमल और तीव्र स्वर मिला के कितने स्वर होते हैं, ये सीखना इसीलिए जरूरी है। तो जैसा कि आप यहाँ कीबोर्ड पे देख रहे हैं, सारे गमों पद निशा आपको बता गया है किस टाइप से प्ले करना है, लेकिन जो कोमल स्वर है रे, ग, ध, नी, तो जैसा कि इस कीबोर्ड में आप देख रहे हैं, जो सेकंड वाली ब्लैक की है, दूसरी जो जो काली की है जिसको हम रे बोलते हैं, तो सा और रे ये दोनों ब्लैक कीज हैं। इनके बीच में आपको एक व्हाइट की दिख रही है, वो जो व्हाइट की है उस व्हाइट की को हम बोलेंगे कोमल रे, ठीक है। कोमल रे जो स्वर होता है उसको सा और रे के बीच में बनाया जाता है, ठीक है। तो जो रे के जो काला काली की जो हमारी रे है उसके पहले जो बटन प्रेस होगा जो की होगी उसको हम बोलेंगे कोमल रे, ठीक है। ठीक उसी तरह से जैसा जो हमारा ग बटन होता है, जो थर्ड ब्लैक की जो होती है उसके जस्ट पास वाली जो सफेद की होती है उस पर हम ग बजाते हैं, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बात की। उस ग के पहले जो व्हाइट की है, इस व्हाइट की सफेद वाली व्हाइट की पास वाली जो रे के जस्ट बाद वाली, जो रे सेकंड हमारी काली की है उसके जस्ट बाद वाली जो की है वो होगा कोमल ग, ठीक है। तो इस तरह से सात हो गया हमारा शुद्ध स्वर, चार होते हैं कोमल स्वर, तो 7+4=11, और सिर्फ तीव्र स्वर एक ही होता है, म जो होता है वो होता है तीव्र म, जिसको मध्यम भी बोलते हैं। तीव्र स्वर एक होता है, कोमल स्वर चार होते हैं और शुद्ध स्वर सात होते हैं। तो सात शुद्ध स्वर, चार कोमल स्वर और एक तीव्र स्वर, ये मिलके एक्चुअली होते हैं हमारे 12 स्वर। 12 स्वर मीन्स टोटल स्वर होते हैं सात, लेकिन इनकी कुछ और कैटेगरी, इनको आप ऐसा बोल सकते हैं कि शुद्ध स्वर की जो और कैटेगरीज होती है वो कोमल स्वर और तीव्र स्वर होते हैं। तो जैसा कि यहाँ कीबोर्ड बना हुआ है, इसमें हमको रे, ग, ध, नी और म, ये स्वर भी जब हम इन पांच में, इन सात में एड करते हैं तो ये 5 स्वर इन 7 में मिलकर हो जाते हैं 12। तो इस तरह से तीन कैटेगरी हमारे स्वर की होती है, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। अब आपको ये स्वर सीखने इसलिए जरूरी है कि जब कोई भी सॉन्ग आप जब कीबोर्ड पर प्ले करेंगे तो कीबोर्ड पर प्ले करने के लिए आपको इसी टाइप से नोटेशन फील करेंगे। तो जैसे कोई भी कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं उसमें हमको कोमल रे प्ले करना है, ठीक है। तो शुद्ध स्वर को तो हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसमें कोई साइन नहीं लगाते, लेकिन कोमल स्वर को डिनोट करने का तरीका है इसके नीचे हम एक लाइन डालते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, रे के नीचे लाइन है, ग के नीचे लाइन है, ध के नीचे लाइन है, नी के नीचे लाइन है। तो जब भी आपको ऐसा जहाँ लिखा हुआ मिलता है ग के नीचे जहाँ लाइन है तो हम समझेंगे हमको कोमल ग प्ले करना है, ठीक है। जहां ध के नीचे हमको लाइन दिख रही है वहां हमको कोमल ध प्ले करना है। तो ये इसको डिनोट करने का तरीका है, इसको डिनोट किस तरह से किया जा सकता है। और वहीं अगर म की बात करें तो जहां म तीव्र होता है तो उसमें एक परपेंडिकुलर लाइन म के ऊपर हम खींचते हैं, ऐसा म आपको जहां भी दिखता है ये लाइन जहां भी दिखती है तब आपको समझना है कि हमको म तीव्र प्ले करना है। तो ये इसका डिनोट करने का तरीका हो गया। अब ये सीखना इसलिए जरूरी है जब हम कीबोर्ड पर प्ले करेंगे तो आपको पता किस तरह हो कि हमें कोमल स्वर प्ले करना है या शुद्ध स्वर प्ले करना है या तीव्र स्वर प्ले करना है। तो ये उसको डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा तीन स्वर के तीन प्रकार होते हैं, और ये हमको आगे इसलिए हेल्पफुल होंगे जब हम कीबोर्ड पर सॉन्ग्स प्ले करना सीखेंगे तो हम इसी पैटर्न को वहां पर यूज करेंगे, यही पैटर्न हमारा कीबोर्ड प्ले में यूज होगा, हम वहां पर यूज करके इसको और अच्छे से सीखेंगे, सारे सॉन्ग्स हम इसी पैटर्न से प्ले करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप वीडियो को देखें, उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आगे जाकर हम जब कीबोर्ड पर सॉन्ग प्ले करेंगे तो हमको और आसानी होगी, हम अच्छे से सीख पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।